जी महाराज जी, आज मैं यहाँ आपके पास आपके दर्शन लाभ के लिए ये मथुरा में आया हूँ। तो मैं आपसे मतलब जो पूछना चाहता हूँ कि मथुरा में आपका आगमन पहली बार हुआ है या इससे पहले? चूंकि मैं दिगंबर जैन संत हूँ और 97 में इसी दिसंबर के महीने में अपने गुरुदेव के संघ के साथ दिल्ली से हम लोग पुष्पगिरी जा रहे थे, पुष्पगिरी से लान्यास के लिए। उस समय एक रात रुकने का यहाँ मौका मिला था, तो उसके बाद 23 साल बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं। लेकिन पहली बार आए हैं, नया परिवर्तन, मथुरा 84, जैन इतिहास के हमारे भगवान महावीर स्वामी के अंतिम, उनके बाद निर्वाण जाने वाले जम्बू स्वामी जिन्होंने की निर्वाण स्थली है यहाँ पर मथुरा 84, वहाँ की वंदना करने के लिए। और सोचा कि हर साल वर्ष 31 दिसंबर को विदा करते हैं, तो क्यों ना सिद्ध भूमि में बैठकर इस 2000 अभिव्यक्त करते हुए परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा को प्रारंभ किया जाए। और मैं 15 वर्षों से हमारे देश में गांधी जी ने दांडी यात्रा की, विनोबा भावे ने पद यात्रा की, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा की, और मैं अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज 15 वर्षों से अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव चलते चलते 1,00,000 किलोमीटर की पद यात्रा तय की है। इतनी यात्रा तय करने के बाद इस यात्रा का शुभारंभ हम लोग गुवाहाटी आसाम में किया था 2004 21 नवंबर को। वहाँ के सीएम तरुण गोगोई, राज्यपाल अजय सिन्हा जी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ क्यों कर रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमने कहा जहाँ कीचड़ होती है वहीं फूल खिलते हैं। हमने कहा इस यात्रा को शुभारंभ आसाम से करना चाहता हूँ, पुलिस का उद्देश्य क्या है? हमने कहा इसका उद्देश्य, इसका नाम है अहिंसा संस्कार पद यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य है नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। और घर में एक ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी छांव, जिसके फल फूल पड़ोसी के घर में गिरते पड़ते हों। निश्चित आदमी के जीवन में, विचारों में, मन में परिवर्तन आता ही आता है। इस यात्रा के माध्यम से अनेक अनेक वर्षों से, और अभी हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव मथुरा 84, जैसा कि क्या सिद्ध भूमि है। और हमारे यहाँ के विजय कुमार जी जिन्होंने राजा महाराजा का जीवन जी रहे हैं, जिनकी हवेली नगर गांव में बड़ी भारी हवेली, जिनके पुरखे कभी यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उसी पद को जीवंत करते हुए इस मंदिर की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर 80 बच्चे रहते हैं, छात्रावास हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं संस्कार, उनको उस धर्म के संस्कार पढ़ते हैं, जिनकी कोई फीस नहीं, जिनका कोई पैसा नहीं, सिर्फ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस सेवा के लिए कि हमारा व्यक्ति कौन, व्यक्ति देश की राष्ट्र की सेवा के लिए कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति निकल जाए, उन अनेक अनेक सेवा के भावों को संजो करके ये मथुरा 84 जम्बू स्वामी का सिद्ध भूमि अनेक अनेक भावों को संजो करके राष्ट्र देश की सेवा में ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे अनन्य भक्त, और मैं अभी देख रहा हूँ 6 महीने से एक अमर भारती पेपर, जो बहुत सशक्त पेपर है, जिसके लोग समर्पित पत्रकार हैं, धर्म की न्यूज को मुख्यता के साथ, प्रमुखता के साथ स्थान देते हुए उसको लगाते हैं। और वह पेपर लखनऊ हो, बम्बई हो, आगरा हो, दिल्ली हो, चारों एडिशन में उस न्यूज को छापते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप 10 बातें अच्छी दो, 10 बातें खराब दो, तो 1 बात उसमें अच्छी होनी चाहिए।
बच्चों की आज के हर पेपर में बलात्कार, फसाद, दंगा, कहाँ क्या हुआ, किसकी लड़की किसके साथ भागी, किसने कहाँ चोरी की, डाका किया, इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है और एक कोई मैसेज नहीं है। ये तो सिर्फ समाचार है कि वहां पर ऐसा हुआ, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, कीचड़ में कमल खिलता है। फपूतु जो इस पेपर के मालिक हैं, मैं उनको खूब यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, वो सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। तो महाराज जी अभी यहाँ आपका पड़ाव कितने समय? अभी हम 15 को आए थे, 1 जनवरी तक तो यहीं रहेंगे और 31 तारीख को एक वर्ष का श्रावक प्रतिक्रमण, जो हमसे पूरे साल गलतियां हो जाती हैं, मन खराब हो जाते हैं, विचारों में पाप वृत्तियां आ जाती हैं, उन सब मन की शुद्धि के लिए, और हमेशा बोलता हूं मन और मकान को रोज साफ सुथरा रखना चाहिए। मन मकान साफ सुथरा रहेगा, कभी आप डिप्रेशन में नहीं आ सकते, बीमार नहीं पड़ सकते, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। जिनके मन मकान गंदे होते हैं वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मन की सफाई के लिए सिद्ध भूमि जम्बू स्वामी का मथुरा 84 भगवान अजितनाथ भगवान बिल्कुल दबंग टूबन के बैठे हैं। जो उनकी छाव में आता है वो जिंदगी भर के लिए उनका ही हो जाता है। उनकी वरदानी छाव तले हम बैठ करके भगवान के चरणों में अपने मन को धोएंगे, और सिर्फ अपने मन को नहीं धोएंगे, पूरे देश के राष्ट्र के मन को शाम को 6:05 से 8 बजे तक 1 घंटे का वो आयोजन चलेगा, 2 घंटे चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण होगा। तो मैं सोचता हूँ कि वर्ष के अंतिम दिन हम मन की सफाई करें, ताकि हमारा जो 2020 ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया सारी बातें उस दिन आपसे शेयर करेंगे। और 1 तारीख का सूरज सिद्ध भूमि मथुरा 84 अजितनाथ भगवान की वरदानी छाव तले उनके पावन चरण कमल की पद रज को माथे लगाते हुए कि भगवान हे परमात्मा 2020 ने क्या दिया, पर 2021 इन वर्षों में 21 गुजरे, अब 19 ना रहे, ये वर्ष देश का, समाज का, राष्ट्र का, घर का, परिवार का, स्वयं व्यापार में हर व्यक्ति हर कार्य में भावांजलि। और उस तारीख को 1 जनवरी को गुरुदेव का जन्मदिन है आचार्य पुष्पतन सागर जी महाराज साहब का, और 24 दिसंबर को भारत के इकलौते तपाहपूत महामहिम आचार्य श्री संगमती सागर जी महाराज साहब के 11वीं पुण्यतिथि इसी मथुरा 84 के भगवान अजितनाथ की वरदानी छाव तले गुरुपाद पूजा करके देश को राष्ट्र को तप करने की प्रेरणा देंगे, उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि, अधरांजलि, हृदयांजलि समर्पित करेंगे। 29 दिसंबर को वात्सल रत्नाकर गुरुदेव विमल सागर जी महाराज साहब की 26वीं पुण्यतिथि को समर्पित करते हुए 31 दिसंबर को मन की धुलाई करेंगे, और 1 जनवरी 2021 को आह्वान करेंगे कि आप आ रहे हो, मिले हो तो हमको बड़े नसीबों से, ये वर्ष सबके लिए खुशियों भरा उपहार लेके आए, आरोग्य का उपहार लेके आए, प्रेम सद्भाव मैत्री का उपहार लेके आए, अनंत अनंत संभावनाओं के साथ ये नव वर्ष 2020 की विदाई, आगत का स्वागत, विगत की विदाई यहीं बैठ के करेंगे। बोलो महावीर भगवान की, अजितनाथ भगवान की, आप सबकी जय।